Hey, good morning guys, welcome back to my new vlog. Hope so you all are doing absolutely good. तो सुबह के 7:30 होने लगे हैं और मैं अभी उठा हूँ जस्ट 5 मिनट पहले और मैं यहाँ पे करने लगा हूँ एडिटिंग, क्योंकि रात को आधी करी थी, आधी बच्ची अभी करूँगा और मेरे पास जस्ट है 45 मिनट्स ही होंगे, क्योंकि 8:30 बजे व्लॉग अपलोड कर रहे हैं तो 10 मिनट मेरे को अपलोडिंग के लिए भी चाहिए. तो फटाफट से एडिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं. सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 8:20 और एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और व्लॉग भी मैंने यहाँ पे अपलोड करने के लिए लगा दिया है और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ गेट पे ये बेल देखना कैसे कैसे यहाँ पे आगे पहुँच गई है. इसके साथ ये होते हैं ना, ये चीज़ कितनी नेचुरली बनी हुई है. अच्छा, ये ऐसे इसके साथ पूरी घूम जाती है और फिर अटक जाती है, मतलब ये छूट नहीं सकती यहाँ से. क्या चीज़ें बनाई है कुदरत ने भी ना, पूरी ऐसे इसके साथ घूम गई है, अभी हिल भी नहीं रही यहाँ से और ये आगे 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 ट्रैवल करती रहेगी. अब मुझे कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका, अदरवाइज तो ये गेट पे आ जाएगा सारा का सारा, गेट भर ही जाएगा. ये खोलने पड़ेंगे इनकी, ये बंदी हुई है ना. अब इसको मैं वापस मोड़ दूंगा पीछे को, यहाँ से आइए वहीं चल जा. और ये इसका धागा, इसको यहीं पर बांध देते हैं हम गोल गोल, है ना. सही करती है ना, अभी आगे नहीं आएगी. और भाई साहब, चिड़िया ने घोंसला तो बहुत बड़ा बना लिया है. इसके बीच में चिड़िया है भी है, ये चिड़िया का घोंसला आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला देखो कितना कमाल का, और कहाँ जाके बनाया है इसने. चलो रहने देते हैं यहाँ पे, इसने भी बेचारी ने अपना घर बनाया है यहाँ पे, तो रहने देते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं. हमें तो क्या ही दिक्कत है, फिर लेके ना घर बना लिया उन्होंने अपना. हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ बच्चे वहाँ से दिखेगा आपको, उस चढ़ जाओ, उसके ऊपर चढ़ो, उसके ऊपर चढ़ो ना, आगे जाओ. हाँ, इसके ऊपर दिख रहा पानी की बूंद. हाँ, पानी की एक बूंद नहीं गिरती. इन्होंने इतना अपना प्रोटेक्शन के साथ बनाया होता है ना घर अपना, इतना मजबूत होता है इनका घर हवा हवा के साथ. हाँ, इसके बीच में है, इन्होंने बनाया इसी जगह पे ना. आपको बताता हूँ कैसे, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एग्जाम्पल, घर तो ऊपर है इनका पर इन्होंने बनाया है यहाँ पे सेंटर में, कि साइड से भी हवा आएगी हिलेगा नहीं और ये घर होता है ना बीच में यहाँ पे, तो यहाँ जाके बनाया इन्होंने ऐसा घर अपना ऊपर. सारा दिन बनाने में, हाँ तो आज बना लिया उन्होंने पूरा कंप्लीट, परसों था नहीं इतना. कितनी मेहनत करती हैं ये ना. इसके बीच में ये अंडे देंगे, अब बच्चे होंगे इनके. तो नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे आ गया है और आज खाने में अपने पास है ये बैंगन का भरता है और बैंगन का भरता और रोटी और दही, तो ये खाते हैं मस्त. और उसके बाद फिर फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो वहाँ पे चलते हैं. तो गाइस, खाना वगैरह खा के अभी मैं फ्रेंड्स के पास जाने लगा था अपने, लेकिन उससे पहले मम्मी ने कहा कि गाय को बांध के चले जाए खेत में, तो मैं खेत में जा रहा हूँ, गाय को आगे बांध देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट घास वगैरह खा ले वो थोड़ा बहुत जो भी होगा. फिलहाल खा तो रही है यहाँ पे, पर कह रहे हैं कि ऊपर बांध दे थोड़ा सा और, तो वहाँ बांध देते हैं. तो चलो जी, गाय को भी यहाँ पे बांध दिया घास में, ये पूरा खा लेगा, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा और मैं घर को चला जाऊँगा यहाँ से, दीवार क्रॉस करके ऊपर चढ़ के इसके. भाई साहब, तो यहाँ से चल जाऊँगा घर पे. एक तो पहुँच गया यहाँ पे, शाली भाई कर फोन. अबे कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस भैया की पहली पोस्टिंग है आपकी. मेरी यार वो चंबा में आई, वो बड़ी दूर चंबा. तेरी कहाँ है? मेरी दिल्ली में. एक्चुअली हो ये रहा है गांव में कि हम गए हुए थे शिमला सारे के सारे, तो जो हिमाचल के फॉरेस्ट मिनिस्टर वो हमारे गांव के ही हैं, तो बस यही अफवाह फैली गांव में जैसे हम शिमला गए कि ये चार गए हैं जॉब लगवाने के लिए उनके पास के, हमारी जॉब लगवा दो. मतलब अब तो गांव से बाहर निकलना नहीं, लोग ये समझते हैं कि चले गए कहीं पर जॉब वगैरह लगवाने के लिए. तो हम घूमने गए थे और पीछे गाँव में, तो साहिल भाई के घर आके लोग इनको कंग्रेचुलेशन कह रहे थे कि नौकरी लग गई आपके बेटे की, नौकरी लग गई बेटा बेटा. तो बस यही है, नौकरी लगी हम सभी की, तभी तो साहिल भाई आगे अपनी पोस्ट बता रहे थे, कोई DFO लग गया, कोई RO लग गया और कोई गार्ड लग गया. चलो बनाओ. भैया बना रहे हैं इस पत्ते के बबल्स, जो हम 10 रुपए के लेते हैं ना बबल्स वाले. और देखो बबल्स जो आप पैसों में लेते हैं हम फ्री करते हैं, जो आप पैसों में लेते हैं हम फ्री करते हैं. वो हमारे यहाँ पर बहुत फ्री फ्री उगते हैं. तो ये वाला पेड़ जहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, मतलब इस पेड़ इस पत्ते के साथ होते हैं बबल्स.
वो देखो कितने कमाल के लग रहे हैं, वाह क्या बात है। हेलो, तो अभी हम सारे के सारे यहाँ पे आए हैं जंगल में वैसे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ पे मॉस्किटो बहुत हैं, मॉस्किटो बहुत हैं यहाँ पे। अरुण भाई फ्लाइंग है बबल्स, एक भी नहीं निकलना एक भी नहीं निकला, चौमिन खा रहे थे शिमला में, शिमला की न्यूज बड़ी फैल रही है मुख पे, और उनको जो कांटा नहीं चलाने आ रहे थे आज ऐसे ऐसे कर रहे थे हाथ से खा लेते साहिल जी रखा है, जो मिनी हो यार वो परांठे नहीं खाए थे हमने शिमला में, चाइनीज परांठा। और अभी भूख लग रही है मुझे, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे मैगी अपनी, मस्त मस्त मैगी खाएंगे आज कम दिनों के बाद, और खाऊंगा साथ में समोसे वही वाले उस दिन वाले, ये अपने समोसे हैं इसमें 5-7 ये खा लेंगे साथ में। और आज एक चीज़ और सोच रहा हूँ मैं खाने के लिए, मैं कल दिखी थी तो वही पड़े हमारे यहाँ पे सूप अपने पड़े हैं यहाँ पे, ये भी पी लेंगे भाई। एक एक करते हुए तीनों चीज़ें रख दी, यहाँ पे सूप भी बन रहा है और यहाँ पे ये तेल भी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैगी भी डाल दी। तो गाइस अपने समोसे भी रेडी हो गए, मैगी भी रेडी होगी, और कोल्ड ड्रिंक भी ले ली मैंने थोड़ी सी, और सूप भी यहाँ पे रेडी। अरे सूप लिया तो कोल्ड ड्रिंक क्यों यार, मैंने सूप भी बना लिया और कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो कोई मतलब ही नहीं था कि सूप बनाया, मुझे वापस डालना पड़ेगा इसमें, दिमाग भी मेरा ना। मैंने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक देखी, मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं सूप भी बना रहा हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक मेरे को वापस डालना पड़ेगा बोतल में। तो अभी स्कूल ग्राउंड में भी आ गए और आजकल खेलना वगैरह तो सब कुछ बंद ही है क्योंकि होता ही नहीं है कोई, तो हम ही हैं तीन यहाँ पे, तो बैठेंगे कुछ गेम्स खेलेंगे लूडो वगैरह फ़ोन पे, बस ऐसे टाइम पास करके चले जाएंगे। बाकी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। तो अभी रात का डिनर करने लगे हैं और खाने में बना हुआ है, ये कौन सी दाल है, चने की दाल है, मूंग मूंग की दाल है ये, और खीरा काटा मम्मी ने साथ में, और ये किसके लिए चपाती, मैं नहीं खानी, पर आप आपने चावल नहीं खाने, खाने चावल ये भी खाना है और ये भी खाना है, इतना खाना रात को कम खाए, पापा ने खा लिया सुबह दोपहर को, दो रात दोपहर को ज़्यादा खाया करो ना, रात को कम खाया करो, ये दोपहर को खाना नहीं, तो पापा ने खा लिया हैं, तो अभी हम लगाने पंखा, फिर आवाज़ आती है ना इसमें, तो अभी हम खाने लगे खाना, और मम्मी पापा खा बैठे हैं, तो खाना खा के अभी कर लेते हैं अपनी आइटिंग। मम्मी जी मेरे लिए यहाँ पे दूध लेके आ गए हैं, दूध और बीच में डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स, जब से ये लाए मैंने खाई नहीं है, एक बार भी है ना, पुराना वाला पैकेट खा लिया था, ये नहीं खाया मैंने हाथ से, तो पाला हुआ है ऐसे खाया हाथ से ना, बीच में डाल के मेरे ख्याल से नहीं खाया एक आधी बार, बस करो बस करो बस करो। तो गाइस रात के 10:20 हो रहे हैं और मेरी एडिटिंग होगी कंप्लीट, बस लास्ट क्लिप बची है जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डालूंगा इसके बाद, और जल्दी एडिटिंग कंप्लीट होगी मेरी। पता क्या मुझे पता नहीं आजकल आलस सा हो जाता है थोड़ा सा एडिटिंग करने में, सुबह कर लूँगा, तो बेटर रहा रात को कर ली, और आज एडिटिंग करके मस्त रहा क्योंकि मैंने एयरफोन से लगाए थे ये एडिटिंग करते वक्त, तो मतलब साफ सुनाई दे रहा था, काफ़ी कमाल की एडिटिंग होगी बड़ी सी। तो बस अब सो जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे वही कॉर्नफ्लेक्स भी पड़े हैं, अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो ये भी पी लूँगा दूध साथ में। तो ये था व्लॉग में, घर का व्लॉग था जो था वो मैंने आपको दिखा दिया, ये था व्लॉग में, होप्स आपको पसंद आया, पसंद आया तो रिकमेंड करके बताना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।